हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस का जो भी एक्सरसाइज है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक अवेलेबल है या फिर हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी जो भी मेरे पास प्रॉब्लम गिवन है 4 नंबर क्वेश्चंस में, उसको हमें सॉल्व करना है। If they exist, यदि ये एग्जिस्ट करता है तो बाई एनी अल्जेब्रिक मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि हम बाई एनी अल्जेब्रिक मेथड, यानी तीन मेथड हम लोग पढ़े हैं, तीनों मेथड में हम किसी पे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट हम इसको एक मेथड से आपको सॉल्व करेंगे, आप अपने कॉपी पे इसको तीनों मेथड से बारी बारी करके फिर मेथड 1, मेथड 2, 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये बोला जा रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट अटेकन फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे रिस 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है हुज टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रिस 1180 एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यानी हमें फिक्स चार्ज बताना है क्या है और जो पर डे का फूड का जो चार्ज है वो कितना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं और द कॉस्ट ऑफ टोटल, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये फूड होगा। तो फूड चार्ज पर डे इक्वल टू हम कर लेते हैं वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट में हम देख लेते हैं, एक लड़का जो है ए, अ पार्ट ऑफ मंथली हैज हॉस्टल इज फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वन हैज टेकन फूड इन द मेस। वेन अ स्टूडेंट ए जो स्टूडेंट है वो 20 दिन जो है अपना भोजन लेता है और उसका जो चार्ज है वो पे करता है 1000। यानी फिक्स चार्ज तो उसका पे करना पड़ेगा x प्लस, और 20 डे वो मेस से जो अपना भोजन लेता है वो लेता है, तो हमने पर डे का लेट किया हुआ है y। यानी x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ये ए स्टूडेंट का हुआ। और फिर एक स्टूडेंट है बी, वो जो है 26 डे अपना भोजन लेता है, यानी x तो ये फिक्स चार्ज हो गया और 26 लेता है, यानी 26y इक्वल टू 1180। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो आप इतने को पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड कर लेते हैं। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए हम सबसे पहले x का कोएफिशिएंट देखेंगे 1, और यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी दोनों का इक्वल है। तो सिंबल चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 26y में से 20y जाएगा तो ये हमारा जाएगा माइनस 6y इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस करें तो हमारा जाएगा माइनस 180। x कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 6, यानी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड जो है x प्लस 26y इक्वल टू 1180, यानी x प्लस y का वैल्यू जो है मेरे पास 30 आया है, 26 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1180। यानी x प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 780, x इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में इस तरह जाए तो माइनस में, यानी x इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा जब इसको माइनस करेंगे तो 0 0, 11 में से 7 जाएगा 4। यानी जो हमारे पास ये फिक्स्ड चार्ज था, हमने फिक्स्ड चार्ज को x लेट किया था, तो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास हो गया 400, और जो पर डे भोजन का जो फूड का पर डे प्राइस था वो हमारा हो गया 30 रुपीज़। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नॉमिनेटर
and it becomes 1/4 when it is added to its denominator. Find fraction. यानी क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके नॉमिनेटर में हम यदि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है, और अगेन 1/4 वो फ्रैक्शन हो जाता है जब उसमें उसके हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं. तो लेट कर लेते हैं, नॉमिनेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू हम कर लेते हैं y. तो फ्रैक्शन जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा x बाई वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमसे बोला जा रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नॉमिनेटर, यानी नॉमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है. पहले इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीपल करा के. तो ये हमारा हो जाएगा 3x-3=y. यानी इसको इस तरफ लेंगे तो ये हमारा जो है 3x-y=3, इक्वेशन फर्स्ट. अब हम देखेंगे अगेन सेकेंड में बोला जा रहा है कि यदि उसके डोमिनेटर में हम 8 ऐड करते हैं, यानी x और डोमिनेटर y प्लस 8, तो फ्रैक्शन जो है हमारा 1/4 हो जाता है. अगेन इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x=y+8, यानी 4x-y=8, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड. तो पहले आप इतने पार्ट को नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आ गए हैं, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम x का कोएफिशिएंट देखते हैं 4, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, यानी अलग अलग है, डिफरेंस है. y का कोएफिशिएंट देखिए इक्वल है, तो डायरेक्ट हम इसका सिंबल चेंज कर लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, y y हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, और 4x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारा जो है माइनस x, चूँकि 4 बड़ा है. अगेन 8 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 5, यानी x का जो वैल्यू है हमारे पास 5 आ गया. और पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, यानी 4x-y=8, 4×5-y=8, यानी 20-y=8, यानी माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8-20, यानी -y=-12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y=12. तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया. तो हमने जो फ्रैक्शन था उसको लेट किया हुआ था x by y, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू जो है 12, यानी 5/12 जो है हमारा यही फ्रैक्शन होगा. आप इसको नोट डाउन कर लें.